They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, मैं हूं रजनीश एंड मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइज तो गला आपको थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा होगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जुकाम हो चुका है, तो खासकर गले में थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज़्यादा तो नहीं। तो बाकी दवाई खाई थी कल तो थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, बट अभी भी जुकाम अपना टाइम पूरा ही लेता है जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो एंटीबायोटिक्स तो खा ली थी पर उतना असर नहीं हुआ है। देखता हूँ आज जाऊँगा डिस्पेंसरी से, थोड़ी बहुत विक्स वगैरह लाऊँगा, उसकी स्टीम वगैरह लूँगा तो हो जाऊँगा ठीक। सो फिलहाल मैं और अंजलि जा रहे हैं दशहरा, क्योंकि आज है हमारा पहला दशहरा। तो कुल्लू में दशहरा 7 दिनों तक मनाया जाता है। बस अब हम निकल ही रहे हैं तो आज हम बस से जाएंगे, नो व्हीकल। सो मिलता हूँ आप सभी को कुल्लू में एंड बाकी की बातें हम करेंगे कुल्लू में। सो लेट्स गो टू दशहरा, 2 साल बाद जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो इस बार का दशहरा कुछ इस तरीके का है, सिर्फ देवताओं के टेंट लगे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ना कबाड़ मार्केट ना कुछ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ओनली देवताओं के रथ, देवताओं के लोग और साथ में टेंट वगैरह लगे हुए हैं। बस रघुनाथ जी का मंदिर सजाया गया है पूरी तरफ, बाकी और कुछ भी नहीं है। दो मिनट और उस तरफ पूरा कबाड़ी मार्केट होता था, और जहाँ पे हम जहाँ से अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे डोम लगे होते थे। तो अब हम पूरा 90s में आ गए हैं, जो ऐसे पुराने बनाते थे। अब तो यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और थोड़े बहुत देवताओं के लोग ही हैं, और वहाँ पे लगा हुआ है रघुनाथ जी का पूरा ग्राउंड खाली। और चलो बाकी आगे जाके देखते हैं, सब कुछ खाली खाली सा है सिवाय सिर्फ देवताओं के टेंट लगे हुए हैं, बाकी सब खाली खाली है। और गाइस तो यहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है, देखिए सामने जो रथ है वो जाएगा यहाँ से होके नीचे की तरफ को। तो फिलहाल अभी हम बैठे हैं कुल्लू में प्रदर्शनी ग्राउंड में। तो पहले यहाँ पे जहाँ देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे पहले प्रदर्शनी लगते थे बट वो भी नहीं लगे इस बार बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी गायब भी हो गई है, ना खाने पीने की दुकानें हैं, ना खिलौने वगैरह की कुछ भी नहीं है, बस देवताओं का प्रोग्राम है इस बार, सिर्फ देवते ही देवते नज़र आ रहे हैं हर जगह पर। तो कल परसों शायद गाय का भी है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो अभी रथ यात्रा शुरू नहीं हुई है क्योंकि जब तक बेकली माता का ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक रथ यात्रा शुरू नहीं होती है, जैसे ही बेकली ऊपर से आदेश आएगा वैसे ही रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, तो देखते हैं आगे का क्या करते हैं। तो उधर बैठते हैं यहीं पर, फिर निकलते हैं, जैसे ही रथ यात्रा शुरू होगी तो थोड़ी बहुत क्लिप बनाऊँगा आप सभी के लिए, फिर उस पर निकलेंगे सीधा घर को। तो फिलहाल अभी बैठे तो बैठते रहते हैं।
जो आप देख रहे हैं, जो बेहद
मेघराज यात्रा होगी, उसके बाद यात्रा होगी लास्ट दिन होता है नीचे से, नीचे तक जाता है रथ 8 बजे ही तक है। और लोग देखिए गाइस, अब सभी देवताएं अपने अपने शिविर में जा रहे हैं। सो रघुनाथ जी को छोड़ के सभी देवताएं अपने अपने शिविर को जा रहे हैं। तो गाइस पब्लिक देखो, शहर में पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक, ये तो शुक्र करो दूसरे सामान वगैरह नहीं, अगर सामान वगैरह होता तो यहाँ तो मतलब तो सेवा नॉर्मली इतनी भीड़ है तो उस पर कितनी भीड़ हो सकती है। और गाइस तो फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं, तो अभी एक जगह बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसकी हालत ख़राब हो गई थी, मैं तो निकल गया था पर मैंने इसको भी निकाल दिया। हाँ बहुत ही खतरनाक होता है गाइस दशहरे में वही घूम सकता है जो जहाँ मर्जी से निकल सके, तो टैग चाहिए दशहरा घूमने के लिए भी। तो फिलहाल अब घर को चलते हैं, दवाई वगैरह ले ली, दर्शन वगैरह कर लिए, तो जैसे यात्रा भी कर ली, अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आप सभी को घर में। तो फिलहाल अभी बस ले रुके हैं, एक भी बस खाली नहीं है गाइस, पूरी भर भर के जा रही है, तो ये देखिए फुल लोडेड, ऑलराइट गाइस। सो मैं पहुंच चुका हूं घर वापस, एंड बड़ी मुश्किल से पहुंचा यार, मैं बता नहीं सकता आपको, कुल्लू में बस तो एक भी नहीं मिल रही थी, जो भी बस आ रही थी फुल लोडेड हो रही थी, ऊपर से बस वाले मोटे ड्रामे कर रहे थे, कभी बोल रहे नहीं जा रहे, तो इसके के बहुत ही कन्फ्यूजन हो गई थी, पर एट लास्ट खड़े होने की जगह मिली गई फिर, पर अंजलि को बीच में सीट मिल गई थी तो उस करके थोड़ा ठीक रहा, नहीं अदरवाइज मैं तो पूरा जा गया भी खड़े खड़े, आया भी खड़े खड़े बस में, क्योंकि गलती से मैंने मम्मी की बात मान ली आज, तो मम्मी ने बोला बाइक रहने तो ट्रैफिक होगा वो होगा तो ऐसे चले जाओ, तो पर बाइक ले जाना चाहिए था क्योंकि ऐसे टाइम पे व्हीकल की बहुत ज़्यादा आती है। सो दशहरा तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था आज, एक जगह तो मैं ऐसे फंसे ना मम्मी, वो वही निकलने की जगह नहीं, मैंने धक्का मार के निकाला है अंजलि ऐसे करके डर रही है, मैं धक्का धक्का मार रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे से नहीं होने वाला है दशहरा घूमना, तो अंजलि को दशहरा अगली बार नहीं ले जाऊँगा क्योंकि उसके साथ घूमने के चक्कर में मैं खुद फंस जाता हूँ, फिर उसको बचाने के चक्कर में मैं खुद रह गया, अदरवाइज मैं अकेला होता तो मैं पूरे देवताओं की वीडियो बनाता बच्चों के। तो ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब प्लीज, एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts.